वालेकुम ताज़ा तरीन मौसमी सूरत हाल के मुताबिक मुल्क के बेशतर मकामात पर मौसम साफ खुश और, और गर्म है आज सिंध में सबसे ज़्यादा दर्ज हरारत लाड़काना दादू और मंजो दौड़ो में 45 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि पंजाब में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत तो खानपुर में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है दोपहर सवा तीन बजे जो है कुछ तुरबत के इलाकों में इस वक्त बादल मौजूद थे मशरकी पट्टी पर भी बादल देखने को मिल रहे थे खिता पोटवार में इक्का मकाम पर लोकल एक्टिविटी के बादल मौजूद थे जो कि मजीद एक्टिव होगी शाम रात तक इक्का दुकम मकामा पर इन इलाकों में कहीं कहीं बारिश का सबब बन सकती है कश्मीर में इस वक्त काफ़ी गहरे बादल मौजूद हैं और बाज़ इलाकों में सवा तीन बजे तक वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला भी जारी था जो कि अगले चंद घंटों के दौरान जारी रहेगा उसके बाद कल उम्मीद है कि इन इलाकों में भी ज्यादातर मकाम पर मौसम खुश्क हो जाने की तो कल भी कश्मीर गिलगत बल्तिसान के मुख्त इलाकों में बादल देखने को मिलते रहेंगे उम्मीद है कि कल भी जो मगरबी पट्टी इन इलाकों में इक्का दक्का मकाम पर लोकल डेवलपमेंट हो सकती है तहाम मुल्क के बाकी ज्यादातर नबे से पचानवे फीसद इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहने का इम्कान है आने वाले दिनों में हवाएं तब्दील होंगी जखड़ टाइप हवाएं कराची समेत सिंध के अफसर इलाकों में और जनूबी पंजाब में देखने को मिलेंगी तहम ईद के मौसम पर बात करें तो पहले भी आगाह कर चुके हैं कि शुमाली इलाकों को ईद के दिनों में एक सिलसिला मुतासर करेगा और उम्मीद है कि दो मई से जो बारिश का सिलसिला शुरू होगा वो पाँच या छः मई तक वक्फे वक़े से जारी रह सकता है जिसमें खैबर पख्तूनख्वा गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर वस्ती और बलई पंजाब इसी तरह शुमाल मगरबी और शुमाली बलोचिस्तान खिता पोठवार के इलाके शामिल हैं को सुलेमान से मलिका मगरबी जनूबी पंजाब के इलाके शामिल हैं कोह कीरथर से मलिका सिंध के इलाके शामिल हैं इन इलाकों में बारिशें ईद के दिनों में देखने को मिलेंगी उसका सबब कुछ नम आलूद होवाएँ होंगी जो कि मशरक़ से बहरा बंगाल से आएँगी और जनूब से बहिर अरब से यह हमारे पाकिस्तान के वस्ती इलाकों पर पहुँचेंगी सर्कुलेशन भी मौजूद होगा तो जो वस्ती और शुमाली पाकिस्तान के इलाके हैं मगरबी पाकिस्तान के इलाके हैं इन इलाकों में तो ईद के दिनों में बारिश के इम्कान काफ़ी अच्छे हैं ताहम जो जुनूबी पंजाब के इलाके शामिल हैं इन इलाक़ों में भी बादल बनेंगे और उम्मीद है कि ईद के दिन भी लिया डेरा गाजी खान समेत जनूबी पंजाब के भी अक्सर इलाक़ों में बादल बन आंधी और गरज चमक के साथ कहीं कहीं बारिश भी देखने को मिल जाएगी और कोहे कीर्थर से जो मध्य इलाके हैं जिसमें दादू जोही वही पानी लाड़काना इन इलाकों में बारी देखने को मिलेगी लसबेला खुजदार रीजन शामिल है इसी तरह झलमगसी के इलाके शामिल हैं बारखान कोलू योब ये इलाके शामिल हैं इन इलाकों में भी ईद के दिनों में बारिश के काफ़ी अच्छे इम्कान मौजूद हैं इस मुतल हम आपको इन शवकाता अगा करते रहेंगे फिलहाल अप्रैल के जो बाकी दिन बचे हुए हैं इनमें मगरबी और शमाली इलाकों में तो छोट पोट बारिशें लोकल डवलपमेंट से भी होती रहेंगी और कमज़ोर मगरबी सिलसिले भी आते रहेंगे लेकिन मुल्क के बाकी ज्यादातर इलाकों में फ़िलहाल अगले आने वाले दिनों में गर्मी की लहर असरानंदाज़ जा रही है जैसे सिंध के इलाकों में दर्जा पैंतालीस से सैतालीस अड़तालीस डिग्री सेंटीग्रेड और पंजाब में भी पैंतालीस से छियालीस डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हो सकता है बलोचिस्तान में भी सिब्बी और आसपास के इलाकों में दर्जा हरारत छियालीस से सैतालीस डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाने के इम्कान मौजूद हैं यह गर्मी की लहर उम्मीद है कि जो दो मई से सिलसिला शुरू होगा वहाँ तक जारी रहेगी इस सिलसिला शुरू होने से ही मुल्क के जो शुमाली और वस्ती इलाके इन इलाक़ों में गर्मी की शिद्दत में कमी आएगी और इससे जनूबी इलाकों में भी जो दर्जा हरारत हैं वो उस भी तीन से चार डिग्री सेंटीग्रेड कम होंगे